नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। हिमाचल पंजाब सीमा पर स्थित दुनेरा गांव में पंजाब हिमाचल के शटडाउन के चलते बाहरी वाहन चालकों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पाबंदियों के चलते ड्राइवर कहीं जा नहीं पा रहे व ढाबे और खाद्य पदार्थों की दुकानें बंद होने के कारण उन्हें भूखे पेट रहना पड़ रहा है। पेश है संबंधी टीम एक्टिव न्यूज की एक रिपोर्ट। रुक गई है, लोगों की लाइफ बिल्कुल जो है स्टक हो गई है। हमारे साथ एक ड्राइवर हैं, HR नंबर गाड़ी थी इनकी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। अच्छा, कहाँ गए थे आप? मैं गया था ये बरमोर से आगे। अच्छा, कब गए थे? मैं परसों मैंने गाड़ी खाली करी थी। हमें एक दिन के लिए बताया था कि एक दिन रात को 9 बजे छोड़ देंगे ये गाड़ी, ठीक है। लेकिन रात को 9 बजे भी नहीं छोड़ी, सुबह 9 बजे भी छोड़ी। फिर आप जैसे तैसे बच्चे खारे बताओ क्या करें, बुकिंग कैसे पड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब 3 दिन से परेशान है। क्या करें, आदमी एक दिन के लिए रखता है, 2 दिन के लिए रखता है, बार बार थोड़ी दुकान खाली बंद है, कहाँ से खाने के लिए या भूखे पैसे पड़े। अभी आप वापस जा रहे थे? आप वापस जा रहा था, इधर हिमाचल वाले नहीं जाने दे रहे, इधर पंजाब वाले नहीं जाने दे रहे। ना हिमाचल की तरफ जाने दे रहे हैं ना इधर पंजाब की तरफ जाने दे रहे हैं। तो अभी क्या कैसे खाने वाने का? अब खाने पीने क्या, अब तो जो ऊपर वाला करेगा वही रखेंगे जी, या किसी की हेल्प मिल जाएगी वो ठीक है।